दोस्तों अगर आप लोग मेरी तरह अपने फोटो को वन क्लिक में एडिटिंग करना पसंद करते हैं तो यार ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल होने वाली है, क्योंकि गाइस आज इस वीडियो में एक ऐसे बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो एंड उसको ब्लर कर सकते हो एंड अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं फुल HD हाई क्वालिटी में। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर वन क्लिक में फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं वन क्लिक में फोटो एडिटिंग सीखना तो बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों सबसे पहले आपको इस वाली एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसका नाम है लेंस एप्लीकेशन और गाइस डाउनलोड करके इसे ओपन कर लेना है। तो गाइस जैसे ही इसे ओपन करोगे तो ये यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करना है एंड जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से हम एक फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं, नॉर्मल फ़ोटो को। तो आपको एक फ़ोटो को लेना है, नॉर्मल फ़ोटो हो या फिर आप कोई सा भी जैसे एडिट करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो को ले लेता हूँ। तो उसके बाद जो है हमारा फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का लोडिंग होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा लोडिंग लेगा और कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर जो है ये ब्लर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा ये लाइन, तो इसको आगे करना है, ठीक है। तो जैसे ही इसे आगे करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लर होगा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसे अगर आप फुल कर दोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। आप लोग जितना ब्लर रखना चाहते हैं आप इतना रख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इतना ही ब्लर यहाँ पर रखता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर जो है आपको दो लाइन दिख रही होंगी, तो आपको इन दोनों को प्लस 10 कर देना है, ठीक है, दोनों को कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो है आपको हेयर दिखाए जाएंगे, ठीक है, बाल दिखाए जाएंगे। तो इन्हें आप लोग चेंज कर सकते हैं, अपने बालों को भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ब्लैक रखता हूँ और गाइस ये जो लाइन है इसको अगर आप लोग आगे पीछे करोगे तो आपके बाल ज़्यादा या कम दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो हम इनको यहाँ पर इतना दिखाते हैं, ये इतना सही लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर जो है आपको मैं आपको दिखा देता हूँ एरो का निशान लगाकर। तो आपको यहाँ पर इन चारों लाइनों को, सॉरी पाँचों लाइनों को पूरा 100 कर देना है, ठीक है, प्लस 100 पूरा इन्हें भर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है, बैकग्राउंड वाले पे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको जो है ऊपर स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको एक बार पहले ही बताना चाहूँगा, अगर आप लोग इस बैकग्राउंड को रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने बिंदी देखी होंगी, ठीक है, किसी के बैकग्राउंड में या फिर किसी के फोटो में आपने देखी होंगी। तो यहाँ पर जो है वे वाली बिंदी है, ठीक है, ये वाली बिंदी है वो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इन्हें कम या ज़्यादा दिखा सकते हैं, बट मोटी बिंदी भी रख सकते हैं, छोटी बिंदी भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको चार पाँच मतलब इफेक्ट दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई सी भी रख सकते हैं एंड यहाँ पर इसके साथ साथ आपको कलर भी दिख जाएंगे, ठीक है, इन्हें आप कलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कोई सा भी कलर। तो यहाँ पर मैं अभी वाइट ही रखता हूँ, ठीक है, आपको, क्योंकि मैं तो दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो है आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो है आपको तीन चार ऑप्शन दिखाए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो गाइस अगर आप लोग प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है अपना बैकग्राउंड चेंज होगा, ठीक है, जो कि आपने अपनी गैलरी में सेव करके रखा होगा। तो यहाँ पर जो है उस बैकग्राउंड को हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और गाइस अगर आप लोग उसको नहीं लेना चाहते हैं, यहाँ से भी कुछ बैकग्राउंड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ एक बार। तो आप यहाँ पर कोई सा भी कलर रख सकते हैं, यहाँ पर बहुत आपको कलर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप कोई सा भी कलर रख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं कलर नहीं रख रहा हूँ, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सेव करके रखा है, तो उसके लिए आपको प्लस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है एंड उस क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। जौन सा भी बैकग्राउंड सिलेक्ट करके रखा है यानी कि डाउनलोड करके रखा है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस वाले बैकग्राउंड को यहाँ पर ले लेता हूँ। तो गाइस जैसे आप बैकग्राउंड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है एक ही क्लिक में आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और गाइस अब जो है तो आपका बैकग्राउंड तो चेंज हो चुका है, यहाँ पर मैं और भी करके दिखा देता हूँ। आप कोई सा भी बैकग्राउंड ले सकते हैं, जैसे कि मैं इस वाले को लेता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर, एंड मैं दूसरा भी लेता हूँ यहाँ पर।
तो देख सकते हैं ये भी बदल चुका है। तो बट मैं इस वाले बैकग्राउंड को यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। अब आपको जो है एक और ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर थ्री लाइन का, ठीक है। तो थ्री लाइन पर आपको क्लिक करना है, इतना आपको कर देना है और यहाँ पर फिर आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। कैसे यहाँ पर ये सेटिंग्स दिखाई जा रही होंगे यानी कि लाइन, तो इन्हें भी आप अपने फोटो के हिसाब से इन्हें आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। और गाइस अब मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने फेस को कैसे गोरा कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि लाइटरूम एप्लीकेशन में करते हो। तो उसके लिए आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। तो गाइस यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शन दिखाए जा रहे होंगे यानी कि कुछ सेटिंग दिखाई जा रही हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट ही चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके काम की है, ठीक है। तो गाइस आपको ऊपर स्क्रॉल करते जाना है तो यहाँ पर जो है आपको कलर मिल जाएंगे, ठीक है। चार पाँच कलर हैं यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑरेंज कलर पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर तीन लाइन आपको दिखाई जाएंगी। तो आपको पहली लाइन को बिल्कुल नहीं छूना है, ठीक है, और दूसरी वाली लाइन को माइनस करना है। तो माइनस करना है इसको कम से कम 38-37 रख लेना है, और जो नीचे वाली लाइन है लास्ट वाली उसको करना है प्लस, इसको रख लेना है 30-32 के करीब में रख लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद जो है आपका जो फेस होगा कुछ इस तरीके का यहाँ पर हो जाएगा। इतना आपको कर लेना है। तो देखो आपका जो फेस है कुछ इस तरीके का यहाँ पर हो चुका है, देखो पहले ऐसा था और अब ऐसा हो चुका है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस येलो कलर पर क्लिक करना है एंड बीच वाली लाइन को पूरा -100 कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रीन कलर पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जैसे जो बीच वाली लाइन है उसे +100 कर देना है, ठीक है। और जो ऊपर वाली जो लाइन है इसे आप आगे पीछे करोगे तो आपके बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे कलर हैं, ठीक है, कोई सा भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वाले को रख लेता हूँ, ठीक है। तो इतना कर लेना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शन दिखाए जा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इफेक्ट हैं कुछ नीचे, तो मैं इनके बारे में नहीं बताऊंगा, मैंने ये पहले ही ट्राई करके देख लिया है, इनमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ था वो मैंने आपको बता ही दिया। तो गाइस आप लोग अपने फोटो को कुछ इसी तरीके से वन क्लिक में एडिट कर सकते हैं लेंस एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।